हरियाणा के रोडवेज के बस कंडक्टर की इस आदत पर फिदा हुए लोग 12 साल से कर रहा है एक काम। हमारे पास दिल छू लेने वाली एक ऐसी कहानी आई है जो आपके चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट ला देगी, साथ ही आपको सुकून भी देगी। सोशल मीडिया पर हरियाणा रोडवेज के एक बस कंडक्टर की कहानी वायरल हो रही है। ये कंडक्टर कई सालों से बस के यात्रियों के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। इसके बारे में आज जानते हैं। IAS अधिकारी अवंशी शरण ने ट्विटर पर सुरेंद्र शर्मा नाम के एक बस कंडक्टर की कहानी शेयर की है। वह हरियाणा रोडवेज में काम करता है और रोहत में रहता है। ट्विटर में दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे ही कोई यात्री बस में चढ़ता है, सुरेंद्र सबसे पहले उन्हें एक गिलास पानी देता है। वह पिछले 12 वर्ष से इस काम का धार्मिक रूप से पालन करता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ये सुरेंद्र शर्मा है, ये हरियाणा रोडवेज के साथ बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं और रोहत में रहते हैं। जैसे ही कोई यात्री बस में चढ़ता है, वह सबसे पहले एक गिलास पानी देता है। वह 12 साल से सेवा में शामिल होने के बाद धार्मिक रूप से इस रिवाज का पालन कर रहा है। सुरेंद्र की दिल छू लेने वाली हाव भाव से लोग भावुक हुए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार और राय शेयर करने लगे। एक यूजर ने लिखा, मानव जाति के लिए सच्ची धार्मिक सेवा। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, ए है भारत का असली हीरो। तीसरे ने कहा है कि सुरेंद्र हर यात्री को पानी देते हैं। उन्होंने कहा, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, मैंने उसे पानी पिलाते हुए देखा है।